गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 28th ऑफ सितंबर और डे है ट्यूसडे। तो आज भी हम जो वो जैसे पिछले कल हमने जो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो डिस्कस किए थे, तो आज भी हम वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने जो वो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आज लाइव क्लास भी होगी, तो लाइव क्लास में जो आप अपने डाउट्स को जो वो पूछ सकते हैं। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आपने नोट करते जाना है और उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। एक बार वीडियो को देखना है, अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट रह जाए तो आपने वीडियो को एक बार फिर से देखना है। बार बार देखोगे, बार बार कैलकुलेशन करोगे, तो आपको जो वो कभी भी नहीं भूलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फैक्टर की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर की, क्योंकि फैक्टर जो वो कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टर का, जो वो 18, तो 18 के जो वो फैक्टर कैसे निकालेंगे वो बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर ट्री भी बनाना सीखेंगे, फैक्टर ट्री भी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर जो वो कैसे निकालते हैं। देखिए, फैक्टर में जो वो एक प्राइम फैक्टर होता है, एक जो वो ऑल फैक्टर होता है। अगर ऑल फैक्टर आपको निकालने के लिए आए, ऑल फैक्टर, ठीक है, तो 18 के निकालने हैं, तो आपने 1 × 18 = 18। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कि 18 को जो वो पूरे पूरे डिवाइड कर जाए, मतलब कि डिवाइजर, वो डिवाइजर जो कि 18 जो कि डिवाइडेंट है उसको जो पूरे पूरे डिवाइड कर जाए। पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब है कि वहां पे रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो देखिए, फैक्टर में जो वो, कल भी मैंने शायद बात की थी, फैक्टर में जो वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो 1 होता है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट जो वो खुद होता है। तो दो फैक्टर तो कम से कम आप हर किसी नंबर के लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को छोड़ के। ठीक है, 2 के 1 और 2 हो जाएंगे, 3 के 1 और 3 हो जाएंगे, 4 के 1 और 5 हो जाएंगे, सॉरी 1 और 4 हो जाएंगे, 5 के 1 और 5 हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट 1 एंड ग्रेटेस्ट वो खुद होगा। तो 1 और 18 तो मैंने सबसे पहले लिख लिया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब 2 से देखना है कि 2 से जाता है, क्योंकि 1 के बाद जब 2 आता है तो 2 से जाता है, 2 × 9 होता है 18, वो भी लिख लिया। 3 से जाता है, यस 3 से भी जाता है, 3 × 6 होता है 18। ठीक है, 4 से नहीं जाता है, 5 से नहीं जाता है, 6 से जाता है, लेकिन 6 देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने पहले, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर जब कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर मैं 6 और 3 फिर से लिख लूँ, 18 ही होगा। ठीक है, तो 6 3 और 3 6 बातें की है, तो यहाँ पे जब भी रिपीट होने लगे तो आप उसको स्टॉप करिए। अब आपके फैक्टर निकल चुके हैं, एक 1 हो गया, मैं यहाँ पे येलो कलर या ग्रीन से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 और 2 3 6 एंड 9 एंड 18, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे चलना है आपने नीचे की तरफ, फिर इस साइड की तरफ, फिर ऊपर वाली साइड। ठीक है, ऐसा भी जो इसके फैक्टर होंगे, कौन कौन से हुए 18 के फैक्टर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, एंड 6 के बाद जो वो 9 हो गया, 9 के बाद 18, ये सभी जो 18 के फैक्टर निकले। जब आपको पूछा जाए कि फाइंड द ऑल फैक्टर, ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर निकालो, तो प्राइम फैक्टर में आप ऐसे करिए इसको। ठीक है, प्राइम फैक्टर में ऐसे निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 आता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 2 जाता है 18 से, 18 जाता है 2 से, मतलब कि 9 2 = 18 होता है। ठीक है, अब 9 2 से नहीं जाता है तो 3 पे चेक करिए, क्योंकि नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है। ठीक है, 3 3 = 9 होता है, 3 आ गया, तो 3 1 = 3। अब देखिए, ये जो नंबर है यहाँ पे इस साइड लिखे मैंने उनको, अगर यहाँ पे 1 आ गया है तो ठीक है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है आपने तो इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे छोड़िए, ये जो इस साइड वाले हैं, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इनको जब वो मल्टीप्लाई करके आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ठीक है, 2 × 3 × 3, तो ऐसे आपने जब वो प्राइम निकालने हैं, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे आपने 18 के निकालने हैं। अगर आपको फैक्टर ट्री पूछा जाए, तो आप जैसे 18 को जो ऐसे नीचे लिखिए बेस में। ठीक है, अब कोई भी एक पेयर लीजिए, जैसे 18 का जो वो कोई भी पेयर लीजिए, जैसे 2 × 9 भी होता है, 3 × 6 भी होता है, तो कई सारे बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 और 6 ले लिया, 3 और 6 ले लिया, ऐसे मैंने इसको राउंड कर लिया। 3 तो प्राइम नंबर है, तो इसको स्टॉप करना है यहाँ पे, इस ब्रांचेस को स्टॉप करना है यहाँ पे। 6 को ब्रेक करो और 2 और 3 हो जाएगा 6, तो 2 3 = 6 होता है, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इसको छोड़िए यहाँ पे, और आपका जो वो फैक्टर ट्री बन चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसको करिए सॉल्व, आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर ट्री कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जो वो पैटर्न का पता होना चाहिए। पैटर्न मीन्स जैसे जैसे आपको यहाँ पे 2 आया, फिर जो वो यहाँ पे 4 लिखा है, फिर यहाँ पे 6 लिखा है, फिर यहाँ पे डैश 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 लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 नेक्स्ट नंबर और बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करिए, ठीक है, पैटर्न समझिए, यहाँ पे 2 3 नंबर को चेक करिए कि पैटर्न क्या जा रहा है। तो देखिए, 2 में जो वो 2 प्लस हुआ तो 4 आ गया, 2 में जो वो 2 प्लस हुआ 6 आ गया, मतलब कि 2 2 का डिफरेंस है। 2 में 6 में जब 2 प्लस होगा तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 प्लस होगा तो 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, कुछ इस तरह से पैटर्न चल रहा था। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलें कि यहाँ पे जो वो सम इवन नंबर है, तो ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, तो नेक्स्ट इवन नंबर 8 हो, एक छोड़ के जो जो है वो चल रहा है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे आप पैटर्न की जो वो प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 18,
तो 18 यहाँ पे है 36, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 18 2 जा 36 होता है, ये तो टेबल है, मतलब कि 18 का डिफरेंस है, तो इसमें 18 प्लस करिए, ठीक है, 18 इसमें प्लस कर तो आता जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एक और जैसे मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि जैसे एक आइटम की जो लिस्ट है, जैसे पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है, मैंगो है, कैरेट है, ठीक है, रेडिश है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी आप लिखिए, यहाँ पे पर केजी में उसका प्राइस दिया है, पर केजी में उसका प्राइस दिया है, जैसे पोटैटो का दिया है मान लो 10 रुपीज़, बस 10 तो नहीं है, 40 रुपीज़, 35 के रुपए आसपास है, तो मैंने 40 लिख दिया, ठीक है, पोटैटो। और मैंगो जो वो मान लो आजकल तो नहीं है वैसे, तो मान लिया मैंने 60 रुपीज़ है, ठीक है, 60 रुपीज़ पर केजी है, पर केजी में भी बताया है रुपीज़। और कैरेट लिख दिया मैंने यहाँ पे 30 केजी, दोस्तों 30 केजी नहीं, 30 रुपीज़ पर केजी। अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि 3 केजी का जो वो प्राइस निकालिए, तो आपने क्या लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 1 केजी पोटैटो इक्वल टू 40 रुपीज़, एंड उसके बाद लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 3 केजी ऑफ पोटैटो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 आपका आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 40 आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 3 जा 12, 120 रुपीज़ का आंसर आ जाएगा, 120 रुपीज़। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि 3 एंड हाफ केजी का कितना होगा, तो अब आप बोलेंगे कि कैसे किया जाए इसको, तो इसको आपको समझने की जरूरत है, बाकी आपको पता है सब कुछ। जैसे 3 एंड हाफ एंड 60, तो 3 एंड हाफ मल्टीप्लाई बाय 60 ऐसे करना है, ठीक है, तो इसको आप पहले जो वो ये जो वो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको आप चेंज करिए, पहले तो चेंज इसको इम्प्रॉपर में करिए, जैसे 2 3 जा 6 होता है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 32 जा 60 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 0 लगा दी यहाँ पे ऊपर, 30 आ गया, 7 और 30, ठीक है, 7 और 7 बचा और मल्टीप्लाई ये बीच में आ गया ऊपर जो वो 30 बचा है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 है, 1 0, ठीक है, 210 जो वो इसका आंसर है, 210 में जो वो ये मिलेगा 3 एंड हाफ केजी, जो भी लिखा था मैंगो लिखा था शायद, ठीक है, मैंगो के आगे लिखा था मैंने, तो 210 रुपीज में मिलेंगे 3 एंड हाफ, ठीक है। इससे 3 एंड हाफ का मतलब समझिए, 3 एंड हाफ का मतलब है कि 3 केजी और हाफ केजी और, ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, या इसको जो वो मैं ऐसे कंप्रेस करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये जो वो इसकी मिक्स फॉर्म होगी, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2/5 ऑफ 60 निकालिए, ठीक है, फाइंड करना है इसको, तो आप क्या करिए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाइए सिंपल, तो मल्टीप्लाई 60। अब 60 जब आपको अकेला ही दिखे, बाकी दूसरा जो वो एक फ्रैक्शन है, तो 60 के नीचे आप 1 लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए, ऐसे समझने के लिए सिर्फ, लेकिन अगर अकेला हो तो वो न्यूमिनेटर ही दिया होता है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर नहीं होता है, वो न्यूमिनेटर ही होता है, ठीक है, आप डिनोमिनेटर जो वो अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, 1 ही लिखना है। जैसे वो 5 से जो वो 60 कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो आपको बताया कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे करना है, ठीक है, सिंपल है। तो 5 से 60 कटता है तो 12/5 जो होता है, आपको टेबल तो पता होना ही चाहिए 20 तक, तो 12/5 जा जो वो कितना होता है 60 होता है। अब ऊपर जो वो एक 12 बचा है, एक यहाँ पे जो इसको काट दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 बचा है, एक 12 बचा है, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे 1/3 ऑफ 90 लिख लिया, ठीक है, जैसे 2/6 ऑफ 45 लिख लिया, कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपको, जैसे फ्लैग वाला भी है, तो फ्लैग में जो वो आपको पूछा जाता है कि कलर जो वो कौन कौन से है, सबसे ऊपर होता है, जैसे आपको बताया सबसे ऊपर जो वो कौन सा होता है, ऑरेंज होता है, तो बीच में जो वो व्हाइट होता है, और नीचे जो वो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। देखिए इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि नीचे जो वो देखिए आपको बताया कि ग्रीनरीज होती है, नीचे जो वो घास होती है, ठीक है, घास जो वो कैसी होती है, ग्रास जो ग्रीन होती है, ऊपर आसमान में जो वो आकाश कैसा होता है, वैसे आकाश तो ब्लू होता है, लेकिन जो सनलाइट होती है मतलब कि ऑरेंज दिखाई देता है हमें, ठीक है, तो ऑरेंज जो वो ऊपर होगा और ग्रीन जो वो नीचे होगा, बीच में व्हाइट है, ठीक है, बीच में व्हाइट है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और आपको पूछा जाएगा कि बीच में जो अशोक चक्कर होता है, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, तो उसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, उसका कलर ब्लू होता है। अगर आपको पूछा जाए कि कितने कलर होते हैं फ्लैग में, तो आप 3 मत बोलिए, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन, एक और भी होता है ब्लू कलर, तो आपने बोला है ब्लू कलर में जो वो जो बीच वाला जो अशोक चक्र होता है वो उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है, ठीक है, तो ऐसे आपने इसको याद रखने, यहाँ पे ग्रीन हो गया और यहाँ पे जो वो ऑरेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज लगा दिया, ये बन गया इंडिया का फ्लैग ट्राई कलर, ठीक है, ट्राई कलर। तो
इसमें आपको पूछा जाता है कि इसकी रेशो कितनी होती है, 2/3 होती है, तो ये 2:3 होती है, मतलब कि अगर इसकी ब्रेथ जो वो 2 होगी तो लेंथ जो वो 3 होगी, मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे हो सकता है, ठीक है, रेशो होनी चाहिए सिर्फ 2 और 3 की। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑरेंज कलर है वो जो कितना पार्ट है पूरे फ्लैग का, तो 1/3 है, मतलब कि 3 में से 1 है, 3 कलर है टोटल, वैसे तो 4 कलर है लेकिन यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इक्वली डिवाइडेड होता है तभी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में अशोक चक्कर भी है, तो अशोक चक्कर का जो कलर है वो बिल्कुल कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 में से 1 इसको बोल सकते हैं कि 3 कलर में से, मतलब कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट जो वो यहाँ पे रेड नहीं ऑरेंज है, और 3 में से जो वो 1 पार्ट जो वो हमारे पास क्या है, ब्लैक से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यस, तो 3 में से 1/3, तो 3 में से 1 पार्ट जो वो हमारे पास क्या है, 1/3 जो वो हमारे पास ऑरेंज है, और 1/3 ही हमारे पास व्हाइट है, और 1/3 ही हमारे पास ग्रीन है, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि ये जो व्हाइट कलर है इसके बीच में जो अशोक चक्र है इसके बीच में है, तो इसका मतलब है कि अशोक चक्र ने भी कुछ जो वो यहाँ पे कलर कवर करके रखा है, कुछ स्पेस जो वो इसने कवर करके रखा है, इसका मतलब है ये जो वो 1/3 नहीं उसका, ये जो वो 1/3 से कम है। अब कितना कम है ये आपने एग्जैक्ट तो नहीं लिखना है, लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लिटल लेस देन 1/3, ठीक है, आपने लिखना है लिटल लेस देन 1/3, ठीक है, मतलब कि 1/3 से थोड़ा सा कम है, 1/3 से थोड़ा सा कम है, तो आपको फ्लैग भी बनाना आना चाहिए और एक क्वेश्चन भी आने चाहिए। हाँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेरीमीटर के बारे में आपको बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की जो लेंथ होती है, मतलब कि बाउंड्री जैसे सर्कल है, सर्कल की जो बाहर वाली बाउंड्री है, ठीक है, जैसे क्रिकेट की जो पिच है वो आपने देखी होगी, तो उसकी जो बाहर वाली बाउंड्री उसको बाउंड्री ही बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री के बाहर चली गई, चौका लग गया, छक्का लग गया, ठीक है, तो वो बाउंड्री होती है, बाउंड्री से बाहर चली गई बॉल, ठीक है, बाउंड्री से बाहर, तो वो बाउंड्री होती है, तो इस बाउंड्री की जो लेंथ है, वैसे सर्कल में जो वो पेरीमीटर नहीं बोलते हैं इसके, जो वो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल में जो पेरीमीटर होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है, उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन बाकी सभी जितनी फिगर है, जैसे वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसमें जो वो पेरीमीटर आपने बोलना है, जैसे रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे लेंथ लेंथ के इक्वल होगी, और ब्रेथ जो वो ये है तो ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालें, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए जो वो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप इनको प्लस करो, ठीक है, एल प्लस एल और बी प्लस बी, 2L है और 2B है, तो 2L हो गए और 2 ब्रेथ हो गई, ठीक है, अब 2 जो वो दोनों साइड है 2 बाहर ले लिया, और L प्लस B जो वो अंदर बचा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ जो वो इसके पैरामीटर का फार्मूला बन गया। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से इसको करते हैं, जैसे 5 जो वो यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर ऊपर भी 5 होगा, ठीक है, मैंने सब कुछ लिख लिया, अब मेरे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर निकालने का, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालने का, तो 2 लेंथ कितने यहाँ पे 5 है और ब्रेथ कितने यहाँ पे 3 है, तो 2 ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, 5 और 3 कितना हो गया 5, 3 8 हो गए, 8 हो गया, 8 आ गया यहाँ पे, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई 8 जो 16 हो गए, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसको चेक करने के लिए इनको प्लस भी कर सकते हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 8, ठीक है, 5 और 3 8 8 हो गया, 8 और 8 8 होता है 16, ऐसे प्लस करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला क्यों बना था, फार्मूला इसलिए बना था कि आपको बड़े बड़े नंबर आ जाए, तो आप जो इसको प्लस करने से अच्छा है कि आप इस फार्मूले को यूज करें और डायरेक्ट आंसर कर लें, प्लस करने से अच्छा होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप जो वो क्या करिए, 15 को जो वो 5 टाइम प्लस करिए, तो आप करेंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है, 4 टाइम्स कर लिया, एक और करेंगे 15, तो इसको आप 15 से प्लस करेंगे 35 30 आ जाएगा, 30 में 15 प्लस करेंगे 45 आ जाएगा, 45 में 15 प्लस करेंगे ऐसे ऐसे 60 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, इससे अच्छा है कि आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सिंपल 75 आ जाएगा, तो इसलिए जो वो मल्टीप्लाई आया है तो मल्टीप्लाई जो वो आपको करना पड़ेगा, फार्मूले का यूज वो करना पड़ेगा, ठीक है, तो फार्मूला यूज करें। और नेक्स्ट है जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का तो बहुत ही सिंपल है, उसकी जो वो एक साइड दी होगी, जैसे साइड दी है मान लो एस, इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं बोलते हैं क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो लेंथ ब्रेथ का कोई मतलब है नहीं, तो इसमें सिर्फ साइड बोलते हैं कि साइड जो वो जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ए भी 5 होगा, ए भी 5 होगा क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होगी, तो सभी को प्लस करने से अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई करो, किससे, कितनी साइड है, 4 4 मल्टीप्लाई बाई एस, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, तो कितना हो गया, 4 5 20, अगर आप ऐसे देखते हैं 5 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20, ऐसे भी 20 बन रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप जो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो आप इसका, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, इसका फार्मूला बन गया 4 मल्टीप्लाई बाई साइड,
वन साइड, ठीक है, वन यहाँ पे आप लिखते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई वन, तो आप बोलेंगे एक सिक्स दिया है तो कितना निकलेगा, तो फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे आप जो वो पेरीमीटर निकालना आपको आना चाहिए। हाँ, एरिया भी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, ठीक है, और रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखें। बाकी आपको जो वो जो भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ठीक है, जैसे कि 75 आता है बीच में, 75 जो वो टोटल आना चाहिए, बीच में 25 दिया है, ठीक है, तो वो सभी आपने जो वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। उन दो ही तो हमारे पास स्क्वायर वाले हैं, उनमें से मैं बता देता हूँ कि एक तो पक्का पेपर में आने वाला है, ठीक है। एक और मेथड है जैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 63 को जो वो 55 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है तो बेलस मेथड से करें। बेलस मेथड में सिंपल है कि 5 को जो वो सबसे पहले 63 से करना है, तो यहाँ पे लिखना है कि 63 को आपने 5 से किया, फिर जो वो आपने इस 5 को जो वो 63 से फिर से करना है, लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइम जो वो 5 से नहीं बोलना है आपने, इसकी प्लेस वैल्यू से बोलना है, ठीक है, 63 जो वो 5 से नहीं हुआ, 50 से हुआ, बस आपने इतना सा करना है, बाकी करना वैसे ही है जैसे करते हैं, बस वहाँ पे फिर बाद में प्लस करना है, ठीक है। बस दो चीज़ें आपने लिखनी है वहाँ पे कि किस किस के साथ मल्टीप्लाई किया, बस बेलस मेथड में इतना है। तो बेलस मेथड की भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए कि डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस बिटवीन, एक और टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ गया कुछ, तो आपको पहले तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, उसे उससे पहले आप जो वो नहीं कर सकते, मतलब कि वो नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए, टू डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर जो वो कौन सा है, 10 है, 2 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 99 है, जब स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो 0 लगाते हैं, ग्रेटेस्ट लिखते हैं तो 99 लगाते हैं। अब देखिए, डिफरेंस पूछा था हमारे को, मान लो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में और 3 डिजिट का था हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस का मतलब माइनस करिए, तो 4 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस करना था इसको 3 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट नंबर से, 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर तो 100 है, ठीक है, 0 0 लगानी है स्मॉलेस्ट में, तो 3 डिजिट होने चाहिए, 2 0 लगा लिया और 1 1 लगा लिया, ठीक है, 3 0 नहीं लगानी है, 3 0 हो गए तो 3 तो वही हो गए, तो 1 भी होगा साथ में, ठीक है, तो इसको माइनस करके जो आपका डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये सभी टॉपिक जितने भी आज टॉपिक बताए उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक बताए उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे वीडियो जो वो यहाँ पे स्टार्ट हो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया कि ऐसे करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और जो वो कॉपी पर नोट करिए और एक और क्वेश्चन साथ में करिए उसके जैसा, ठीक है, अपनी मर्जी से लीजिए क्वेश्चन और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।